शाहरुख खान पठान के खिलाफ इंटरनेट शत्रुता की बात करते हैं। पठान के टीजर ने काफी चर्चा पैदा की। जैसे ही पहला गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ, एक प्रमुख ऑनलाइन नफरत अभियान शुरू हो गया। शाहरुख ने पठान पर गुरुवार को अपनी चुप्पी तोड़ी, बहिष्कार की मांग। शाहरुख ने 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए कोलकाता की यात्रा की। बॉलीवुड अभिनेता ने कहा, सोशल मीडिया हमारे सामूहिक आख्यान को आकार देता है। इस विचार के विपरीत कि सोशल मीडिया सिनेमा को नुकसान पहुंचाएगा, मुझे लगता है ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किंग खान ने कहा, सोशल मीडिया में अक्सर एक प्रतिबंधित दृष्टिकोण होता है जो मानव स्वभाव को उसके मूल सार तक कम कर देता है। नकारात्मकता सोशल मीडिया की खपत और व्यावसायिक मूल्य में सुधार करती है। इस तरह के प्रयास सांप्रदायिक कथा को विभाजित और नष्ट कर देते हैं। लंबे समय में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन दुनिया सामान्य हो रही है, उन्होंने कहा। उनकी यह टिप्पणी भाजपा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म के एक गाने का प्रदर्शन किया और इसकी रिलीज को रोकने की धमकी दी। दीपिका पादुकोण ने बेशरम रंग गाने में एक नारंगी रंग की पोशाक पहनी थी, जो निंदक कहते हैं कि हिंदू भगवा जैसा दिखता है।